अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने चाइनीज़ एप्लीकेशन टिकटॉक को पाकिस्तान भर में बैन कर दिया है, उस पर पाबंदी आयद कर दी है और इसको अब चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इस पर पाबंदी इस वजह से आयद की क्योंकि इस पर किसी कोर्ट में जो है वो केस भी चल रहा था और इसके ख़िलाफ़ जो है काफ़ी उनको कंप्लेंट मौसूल हुई। और उनका क्या पीटीए वालों का कहना यह है कि चूंकि इस पे गैर अखलाकी मवाद जो की तशहीर की जा रही है, गैर अखलाकी मवाद फैलाया जा रहा है इसके ज़रिए से, इस वजह से उनको ये बैन करना पड़ा। उन्होंने इस हवाले से टिकटॉक की इंतज़ामिया को भी आगाह कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर टिकटॉक इंतज़ामिया गैर अखलाकी मवाद को इससे हटा देती हैं अपने एप्लीकेशन से, तो वो अपने फैसले पे नज़रसानी करेंगे और टिकटॉक को वापस बहाल किया जा सकता है सिर्फ़ इस सूरत में कि इस पे से गैर अखलाकी मवाद को हटाया जाए। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हो या पैमरा हो, अगर इसको लोग ही अब इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करते हैं तो ये जागते हैं, क्या इनके अपने लोग ख़ुद चीज़ें मोनिटर नहीं कर रहे होते? क्या इनको पता नहीं होता कि इसमें गैर अखलाकी चीज़ें चल रही थी या किसी ड्रामे में गैर अखलाकी बातें हो रही हैं, तो ख़ुद से ये क्यों नहीं एक्शन लेते? ये एक सवाल है। चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।